अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बस ऐसे ही रेगुलर व्लॉग है। सुबह नाश्ते वगैरह के बाद जैसे बच्चों को दे दिया और किचन में समेट रही थी और लंच भी रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे लंच की वीडियो बनानी थी, तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया कि मैं बाद में उसको शूट करती हूँ, लेकिन पहले एक नज़र बच्चों पे डाल लूँ कि वो लोग कितने रेडी हुए। तो बाहर आके जब चेक किया तो इज़मा साहिबा जो है वो अपने कपड़े जो है वो इस्त्री कर रही थी, और उनको ये कपड़े इस्त्री करके फिर पहन कर जाने थे बच्चों और आप ही को स्कूल छोड़ने। बातें सुने इनकी। Job, Isma. Yeah. Okay, what are you doing, Isma? आप इस्त्री कर रही हैं कपड़े अपने? कहाँ जा रही हैं Isma? You want to change? जा कहाँ रही हो आप? स्कूल जा रही हो? Isma, आप स्कूल जाएंगी? रोएंगी तो नहीं? रोएंगी? अच्छा चलें, तैयार हो जाते हैं हम लोग। नाश्ता किया आपने? यू डिड योर ब्रेकफास्ट Isma? ब्रेकफास्ट में क्या खाया आपने? बनाना खाया? नहीं। ग्रेप्स खाए? ग्रेप्स भी नहीं खाए Isma ने। ओके चलो, हो गई इस्त्री Isma। उठिए चलें हम लोग, चलें हम Isma। Isma, let's go get ready. Oh, I get backpack. You need backpack? कहाँ है आपका backpack? I get chairs. और आप और बच्चों ने lunch box नहीं रखा अपना? Lunch. I want lunch. क्या लेके जाओगे? Baby shark. Baby shark लेके जाओगे lunch में? No, thank you. Really not interested. अच्छा Isma तो जो रेडी हो रही है वो हो रही है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ लंच क्या दिया है मैंने बच्चों को। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि यहाँ लंच यहाँ स्कूल आवर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, 8 घंटे का स्कूल है, और फिर दोपहर भी होती है, फिर स्नैक्स टाइम होते हैं, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही लंच देती हूँ। समटाइम्स बच्चे पूरा खा लेते हैं, समटाइम्स एक दो चीज़ें बचा के ले आते हैं, लेकिन मैं उसी हिसाब से देती हूँ जिस हिसाब से वो खाते हैं। साथ में स्नैक्स के साथ मैं, अच्छा हेल्दी वर्जन भी है इसके अंदर, उनकी पसंद की चीज़ें भी होती हैं, और लंच मैं थोड़ा सा हैवी देती हूँ ताकि खाना जो दोपहर का हो वो थोड़ा सा सही से खा लें। तो उसके साथ बस मैं नैपकिन वगैरह रख रही थी, और इसके अंदर मैंने बस जूस का बॉक्स और रखना है, और ये इनकी वाटर बॉटल्स हैं, और मेरा जो है वो सौंप वाला पानी है। अच्छा अब आप ये देखिए कि सुबह वो कपड़े कोई से इस्त्री हो रहे थे, लेकिन जब आए हैं तो कोई और से। हवा चल रही थी ठंडी, लेकिन एरा जो ने बोला कि नहीं मुझे तो नहीं पहनना, और ईशा ने भी ये बोला, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जैकेट्स जो है वो बैग में रख के लेकर आई थी, तो मैंने कहा पहन लेना। और यहाँ पर एरज मुझे यही कह रही थी, मम्मा मुझे सर्दी लग रही है, तो मैं उससे कह रही थी अपने बैग से निकाल के पहन लो जैकेट, तो आगे जाके मैं पहना दूँगी। खैर उसे मैं Isma को दिखाना चाह रही थी कि वो उन्होंने इस्त्री विस्त्री कपड़े कोई और से किए थे, और उसके बाद तैयार होकर वो इसमें आई हैं, और फिर उनके साथ टेडी बियर बैठ के भी आया है स्ट्रोलर के अंदर, जो डॉल्स का स्ट्रोलर है, और बड़ी मसले होते हैं बच्चों के, बच्चे संभालना कितना मुश्किल होता है ना। मैं देती हूँ। घर आने के बाद मैंने सारा क्लीन अप करना शुरू कर दिया, किचन की मुझे क्लीन करनी थी, डीप क्लीनिंग, और सारी मतलब मैं ये भी देख रही थी कि मंथली कौन कौन सा सामान आना है, और तो कौन से मसाले अवेलेबल हैं कौन से नहीं हैं। तो हर 2-2.5 महीने के बाद मैं ऐसा कर लेती हूँ, उससे क्लीनिंग भी हो जाती है, और मुझे जो ज़्यादा जैसे मसाले वगैरह होते हैं ना, वो तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते कि जितने लोग नहीं हैं, क्योंकि बस 3 बच्चे हैं और हम 2 हैं, तो इतना ज़्यादा मसाले के पैकेट्स वगैरह यूज़ होते भी नहीं हैं, तो वो मेरे बच जाते हैं, तो वो मेरे आराम से 3 महीने तक चल जाते हैं। तो इसलिए मैं जब क्लीनिंग करती हूँ तो उसके साथ साथ लिस्ट भी बनाती रहती हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो मैंने किचन सीरीज़ के हवाले से बनाई है, और उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, तो साथ साथ मैं यहाँ पर सारी सॉसेस एवरीथिंग जो एक्सपायर हो गई हैं वो सब मैं हटानी है, नई क्या लेकर आनी है क्या नहीं लेकर आनी, जो क्लीनिंग करनी है वो सारी चीज़ें कर लूँगी क्लीनिंग, जो नए मसाले मैं लेकर आई थी हेल्दी ऑप्शन सब मैं जैसे जैसे ला रही हूँ तो वो मैंने इसके अंदर ऐड करने थे। तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें स्किन केयर के हवाले से भी मुझे मैं अपने लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, तो वो मैं यहीं, क्योंकि वो किचन की ही चीज़ें तो वो किचन में ही रहेंगी,
और अभी मैंने सिर्फ एक साइड का ये खाली किया था तो इतना ज़्यादा इसमें से सामान निकला, अभी दूसरी साइड तो मैंने खाली भी नहीं की। एनीवेज उसको एरिया को भी क्लीन करूँगी। और मैं आपको ये बताई थी हेल्दी चॉइसेस मैं जो लेकर आई थी, तो वो मैं आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैं कौन सी हेल्दी चॉइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ। इंशाल्लाह अब अगली सीरीज़ जो होगी वो इसी हवाले से होगी। बस मैं किचन का काम वगैरह निपटा कर उसके बाद फिर बच्चों को लेने चली गई थी, खाना भी मैं साथ साथ रेडी कर लिया था, तो वो किचन का काम तो कंप्लीट हो गया था। एक दिन तो इस चीज़ में लगता ही है। यहाँ ठंड हो गई है अच्छी खासी, बीच में बहुत ज़्यादा शदीद ठंड पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद वेदर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ, सारी बर्फ़ भी पिघल गई, सब कुछ हो गया। तो मैंने वीडियो ज़रूर बनाई है फ़र्स्ट स्नो इन कैनेडा, वो मैं इंशाल्लाह जो है इसी वीक ज़रूर अपलोड कर दूँगी। यहाँ मैं वेट कर रही थी कि बच्चों को पिक वगैरह करने के लिए। सो इसके बाद जो है वो आप इज़मा की कार्रवाइयाँ देखें, आज तो इज़मा स्पेशल ही हो गया कुछ वो इतनी मज़े मज़े की हरकतें करती है और हम लोग इतने इन्जॉय करते हैं उसकी इन हरकतों को। सो आप भी इन्जॉय करें और मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ बस इस छोटी सी वीडियो के साथ। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपनी अपनी जानें खुश रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। क्या कर रहे हैं बेटे? आई एम नॉट फाइव ओ'क्लॉक। ओके कर लो कर लो। ओके गो एंड डू द काम। जल्दी से फिनिश करो, अपना हेयर ब्रश करो जल्दी से। ओके मॉम।